अभी हम लोग व्लॉग कुछ ऐसे शुरू करेंगे कि हम मैं पहले दिखाऊंगी कि पहले मेरा घर कैसा दिखता था और आखिर वो कैसे बना, टूट फूट के कैसा बना, उसके बाद मैं दिखाऊंगी आखिर फाइनली लुक कैसा था। तो व्लॉग को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना, ठीक है? चलिए चलते गाइस। हमारा जो फर्नीचर था बड़े रूम का वो निकल चुका है और आप देख सकते हो किस तरीके से इसमें दीमक लग गया था। तो एक बार हम लोगों ने दीमक का दवाई भी इसमें छिड़काया था, लेकिन इसके अंदर घुस के तुम बैठ जाओ तुम्हारा वो बन जाएगा। क्या कहते हैं उसको यार, मॉन्यूमेंट बोलते हैं कि क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसके अंदर जो अगर तुम अटक गई तो इसके अंदर घुस जाओ। तो देख रहे हो किस तरीके से सारा फर्नीचर निकला हुआ है। ये पार्ट काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे मम्मी फोन पे बात कर रही है। देखो इसके पॉकेट में आप देखो क्या क्या है, रबड़ दिखा 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 देखो रबड़ लेके घूम रही ताकि मैं चोरी ना कर लूँ इसका रबड़। और इसमें इसका चाबी रखी है और ये तो मजे से हवा खा रहा है, देख रहे हो? हाँ हाँ, ये तो नहीं दिखाना पागल। तो गाइस इसमें फूल उग रहा है, देख रहे हो पर्पल फूल उग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये हमारा बगल का छत है और ये हमारे नेबर है। हाय नेबर, तुमको क्या काम था? तुम भी ड्रेस नहीं दो जाओ। हाँ गाइस आज थर्ड डे है और देखते हैं कि अंकल लोगों ने ये थर्ड डे में क्या क्या किया है। तो गाइस देख रहे हो पार्टीशन आधा हुआ है, पूरा होना बाकी है, मतलब ये एक रूम निकल गया है, देख रहे हो? साथ ही में ये अलग जगह हो गया, यहाँ पे एक जगह बन गया है, देखो ये बड़ा सारा बन गया है। यहाँ पे पार्टीशन होना जो बाकी था वो है, देखो खिड़की विड़की ऐसी है, एसी ढका हुआ है, पलंग का हटफेल हो गया है और ये देखो अभी बन रहा है। तो आज थर्ड डे में ये हुआ है। चलिए बाहर चलते हैं। पापा ये बाथरूम का है क्या? बाथरूम में लगेगा ये? ठीक ही है, ठीक है। और ये ऊपर का प्लास्टर कब होगा ऊपर पूरा चारों तरफ? ऊपर से करेगा ना, वहाँ से तो ऊपर से पानी छुएगा। अच्छा ऊपर बाद में करेगा क्या? ठीक है। पंखा भी सब नया है तो आप लोग खुश रहे? खुश है, काम हो रहा है? बहुत खुश है। पापा आप खुश है, काम हो रहा है? फर्स्ट क्लास काम हो रहा है। देखो आप खुश है, आप लोग दोनों खुश है? ओके, नया पंखा भी तो आएगा छोटा सा, सब आएगा मम्मी, सब आएगा, रुको धीरे धीरे सब आएगा। आज छोटे हो जाएगा ना, यहाँ पर देखो ना ये एसी बन, यहाँ पर हो गया है चंगा लग जाएगा। हाँ खिड़की तो चाहिए ही, हवा कहाँ से आएगा फिर? उन अंकल को बोलने दो भाई। हाँ वही ना, ज्यादा होता है। ये डिजाइन भी अच्छा लग रहा है, ऐसे ही डिजाइन बोले थे पता है अंकल है ना, वैसा ईटा वाला बोले थे, बोले नहीं ये लंबा ईटा, हाँ ये चौड़ा ईटा नहीं लंबा। हाँ ऊपर क्या लगा है पापा? टीना। अच्छा ऊपर टीना लग गया है, पानी नहीं आता ना। अच्छा अच्छा, एसी का पॉइंट यहाँ नहीं, यहाँ चाहिए मेरे को। क्यों क्यों यहाँ देगा? यहाँ अगर तुम पलंग ऐसे लगाता है, अब रूम का एडवाइस लेने के लिए जा रहे कि किस टाइप से रूम बनाना चाहिए, कैसे होना चाहिए, देखने में कैसे सुंदर लगे, इसलिए चलिए आपको अपना टूटा हुआ रूम दिखा रहे हैं। टूटा हुआ रूम दिखा रहे हैं तो पापा मुझे दिखाने के लिए लेके आए हैं कि सब सही हुआ है कि नहीं, तो चलिए देखते हैं। ये खिड़की ऐसी रहेगा ना, इसका बॉक्स करवाने, बॉक्स करवा दो इसका, साइड में देखो पता नहीं चलता लेकिन सामने कोई घुसता है ना तो ये खिड़की दिखता है, तो बॉक्स रहना जरूरी है। अरे आप बोल,
यहाँ तो आपका शेयरिंग आ जाएगा, इतना बड़ा रूम तो है नहीं कि पल्ला सिस्टम करें। इसे पल्ला कहीं इधर में खुलेगा, सिंगल पल्ला नहीं होगा ना, पल्ला इधर खुलेगा तो आपको यहाँ से तो मेरा यहाँ से सिंगल बेकार हो जाएगा। क्या यह पेपर पेन पापा मंगाए इससे? वेयर करने वाली हूँ ये प्यारी सी पर्पल टॉप, यहाँ पे नॉट दी गई है तो ये वाली वेयर। मैं हो गई हूँ तैयार आप लोगों को दिखाने के लिए मेरा नया होम रिनोवेशन, जो कि मैंने रिनोवेशन कराया पुराने होम को, तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि आप लोग बेसब्री से बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, अब फाइनली इंतजार हुआ खत्म, महीनों बाद आ गया है मेरा न्यू होम रिनोवेशन व्लॉग, तो चलिए चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरे लिए तो नया होम है, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद मतलब अपना घर को चेंज होते हुए देखी हूँ, मुझे बिलीव ही बहुत दिन बाद नहीं बाबू, बचपन से यहीं पे थी। हाँ भाई, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि घर चेंज हो गया है यार, कलर वलर हो गया, सब कुछ हो गया, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको ये वाली पोर्शन दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो आपको अटैक पढ़ना नहीं आता। तो गाइस देखो यहाँ पे पोर्सलिंग हुआ है और ब्लू कलर पेंट हुआ है, व्हाइट पेंट हुआ है, साथ ही में यहाँ पे लाइट्स भी लगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये बहुत ही प्यारा गोल्डन लाइट है, यहाँ पे देख रहे हो चारों तरफ जो गोल्डन लाइट्स लगे हुए हैं। वैसे ये जो ब्लू कलर और व्हाइट कलर है वो टेम्पररी है, हम लोग कलर करवाएंगे 2 महीने या 3 महीने बाद दूसरा कलर करवाएंगे, दिवाली वाले टाइम। चलिए हाँ, दिवाली के पहले मतलब। तो चलो अंदर चलते हैं, आ जाओ, हम डांस एक दिखा देते लोगों को, तो पीछे जाओ, ये गाना गाती है ना तुम वाला रिश्ता के गाना, तो पीछे और जाओ। कौन सा गाना था? अरे नहीं, जो बहुत पुराना एक टीचर था, क्या तो था ना, भूल गए हम। हाँ भूल गए, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं, एक पीढ़ी आती है दूसरी पीढ़ी जाती है जी। ये तो साग, ये तो घर का गाना हुआ, कुछ भी तुम बोलते हो। तो गाइस ये साग भी को बोल रही थी, कोई अरे यार नहीं बोल रहे थे तू, ये नहीं दूसरा करेंगे, कौन सा था? तो मेरा नया घर बन गया, मेरा नया घर बन गया, मेरा नया घर बन गया, हो गया हो गया हो गया, चल 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 चल। तो गाइस चलिए अंदर चलते हैं, खुले। हाँ खुलो, 1 2 3 टन टन। So guys, आइए मेरे घर के अंदर, आप लोगों का स्वागत है, आइए 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 और देखिए मेरा नया घर। तो गाइज ऊपर देखिए, ऊपर मैंने फोर्सलिंग करवाया है, साइड में देखो कलरफुल लाइट है, और ये जो लाइट है इसका रिमोट भी है, तो अगर मैं चाहूँ तो उसको ग्रीन रख सकती हूँ, ब्लू रख सकती हूँ, रेड रख सकती हूँ और पिंक भी रख सकती हूँ। साथ ही में ये प्यारा सा 2 झूमर लगवाया है और बीच में फैन भी है देखो, और इस साइड में वॉच है, यानी कि घड़ी है, सॉरी मैंने वॉच बोल दिया, और यहाँ पे लाइट है और यहाँ पे छोटे छोटे लाइट्स भी है, देख लो छोटे छोटे लाइट्स जो है। तो ये हॉल है हमारा प्यारा सा हॉल, और यहाँ पे इन फ्यूचर बाद में हम लोग लगाएंगे सोफा, और सामने दिखाती हूँ, सामने देखो यहाँ पे टीवी है, तो हम लोग आराम से सोफा पे बैठेंगे और देखेंगे टीवी। तो चलिए आइए और बाथरूम दिखाती हूँ, बाथरूम तो बहुत जरूरी है, आइए लाइट चल रही है, फैन में मत ऑन कर, फैन में तो ऑन कर, फिर आवाज नहीं आएगा। सो गाइस ये है हमारा प्यारा सा वॉशरूम, अंदर आइए। तो यहाँ पे हमने रख दिया है वॉशिंग मशीन, पता क्या बोल रही थी, बेसन, तो वॉशिंग मशीन यहाँ रख दिया है, ये पकड़ेंगे कैसे हम, छोड़ो। तो ये है हमारा हैंड शावर, क्योंकि मेरी बहन को डर लगता है नहाने में, चुप रहो जितनी मत करो, शावर है ना, मेरी बहन को डर लगता है, इसलिए ये हैंड शावर पापा ने उसके लिए खास लगवाया है, पापा की लाइफ भी जो ठहरी। यहाँ पे हम लोगों ने लगवाया है साबुन रखने वाली जगह, और ये तो शावर का ऑन होने का है जो है, और यहाँ पे है हमारा छोटा सा प्यारा, अभी भी काफी काम बाकी है लेकिन अभी हाँ, नहीं करवा रहे हैं। तो अब यहाँ पे छोटा सा है बेसिन, जो कि इस कलर से मैच कर रहा है। टाइल्स की कलर आपको कैसी लगी आप बताना, पूरा टाइल्स दिखाओ, कितना प्यारा टाइल्स है, देख रहे हो टाइल्स की कलर मुझे बहुत पसंद आई, और नीचे में देखो चॉकलेट ब्राउन कलर, ताकि ज्यादा गंदा ना हो, अभी थोड़ी बहुत गंदा है, वैसे साफ करने से ठीक हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप देखो देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग हाथ धोने के लिए इसके अंदर हम लोग डाल देंगे जिससे हम हाथ धो पाएंगे। और वहां पे गीजर लग चुका है, साथ ही में यहाँ पे फैन भी लगा है। फैन इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत है, अब मैं नहाऊंगी और फैन ऑन करके नहाऊंगी तो मजा आ जाएगा क्या, गर्मी में फैन का मजा वो भी वॉशरूम में, वाओ तोड़ फाड़ दूंगी मैं, लग रहा है यार। तो गाइस एक मिनट, तो गाइस देखो इधर आओ, तो गाइस यहाँ पे कमोड लग चुका है क्योंकि मम्मी पापा जो है थोड़े समझ रहे हो ना उम्र के हिसाब से बुड्ढे होते जा रहे हैं, तो क्या है कि नॉर्मल बैठने में प्रॉब्लम होता है, गोड्डे में दर्द हो जाता है पापा मम्मी के, तो मैंने इसलिए सोचा यहाँ पे लगवा दिया है कमोड। तो यहाँ पे देखो ये सब तो आपको क्या ही दिखाऊं, आपको तो पता ही होगा, तो चलो हम लोग बाहर चलते हैं। आइए मैडम आइए आइए। तो गाइस देखो ये जो विंडो है उसकी व्यू अभी आपको दिखाती हूँ, जाकर देखो यार इसकी व्यू काफी प्यारी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्रिल सिस्टम करवा दिया है, देख रहे हो, तो ये है हमारे विंडो की व्यू हॉल के। तो गाइस यहाँ पे है स्लाइडिंग डोर ताकि जगह ना वेस्ट हो सके, और यहाँ पे है अलगायंस, और यहाँ मेरा फोन है, मेरा मेरे घर का रूम है, साथ में यहाँ पे पलंग वही पुराना वाला ही लगाया है, बाद में फर्नीचर बनेगा तो पलंग अलमारी वगैरह सब नया बनेगा। साथ ही में यहाँ पे सामने में मैंने ये अलमारी लगवाया है क्योंकि स्पेस ज्यादा नहीं है, अगर यहाँ अलमारी रखूंगी तो जगह नहीं बचेगा, तो मैंने सामने लगा दिया है, मतलब कांच वाच सामने रहेगा। इधर आओ मैं आपको खिड़की दिखाती हूँ, तो ये उनकी सबसे खासियत है खिड़की और यहाँ की व्यू। तो गाइस व्यू देखो यार, यहाँ की जो व्यू है ना मेरी खिड़की से दिख रही है बहुत ही प्यारी है। तो यही चीज मुझे इस रूम की सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और यहाँ पे लग गया है एसी, जबकि ये रूम दूसरे रूम में लगने वाला था लेकिन मम्मी ने इधर लगवाया है, बाकी एक और एसी है जो कि वो रूम में फिट होगा अभी कुछ दिन बाद। साथ ही में यहाँ पे फोर सीलिंग हुआ है, देखो फोर सीलिंग हुआ है, व्हाइट कलर का मैंने फैन लगवाया है, देख लो क्योंकि व्हाइट कलर काफी क्लासी लगता है। साथ ही में बैकग्राउंड में जो लाइट है देख लो वो गोल्डन कलर का है, तो वो अभी लाइट ऑफ करने के बाद रात में आपको अच्छे से दिखेगा। तो ये है मेरा प्यारा रूम, तो चलिए हम चलते हैं, वो बगल वाले रूम हमारा है और यहाँ पे रूम है मम्मी पापा का, तो यहाँ पे भी एक स्लाइडिंग गेट लगा हुआ है देखो, बाकी यहाँ पे सनमाइका लगेगा तो ये गेट ज्यादा अच्छी लगेगी। तो आप यहाँ एंटर करोगे तो यहाँ पलंग लगना मुश्किल आई थिंक, क्योंकि रूम काफी ज्यादा छोटा हो गया, दो रूम डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पे शायद गद्दा लगाएंगे टेम्पररी के लिए पापा ने बोला है। तो और सामने मम्मी का अलमारी है, ये देखो यहाँ पे अलमारी है मम्मी का, और यहाँ पे स्विचेस दिया है, मेरे रूम में भी एक्स्ट्रा स्विच दिया गया है चार्जर के लिए, साथ ही में यहाँ पे एसी पॉइंट भी दिया है क्योंकि यहाँ पे एसी लगाने का प्लान है मेरा, यहाँ पे एसी लगेगी। साथ ही में ये फोर्सलिंग ये भी है जो गोल्डन कलर की है, और यहाँ पे भी व्हाइट लाइट है, मतलब सेम है बस फोर्सलिंग डिफरेंट है, देख लो मतलब मेरा डिजाइन जो था वो अलग था और यहाँ का डिजाइन भी अलग है। और बाकी यहाँ पे भी खिड़की है, यहाँ तो यहाँ की खिड़की से हमारा बगल वाला छत दिखता है, जो आप लोग पूछते पड़ोसी कौन है, ये देखो उस साइड में पड़ोसी खड़ा रहता है, तो ये बगल वाला छत दिखता है। और कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसी से मुझे पता चला है कि इस छत पे ना भूत रहता है, तो चलो अच्छा ये वाला रूम मेरा डिमांड है, मैं रात को नहीं सो पाती डर के मारे। तो बाकी यही वाला हमारा रूम था, तो अब यहाँ से निकलते हैं। तो भाई हॉल तो मैंने आपको कल दिखाई दिया था, हॉल तो कल दिखाई दिया था, लाइट्स वगैरह सब दिखा दिया था, तो ये था मेरा होम टूर व्लॉग, कैसा लगा जरूर। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा होम टूर कैसा लगा, ठीक है। तो शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, आई लव यू ऑल, आप लोग मेरी एक फैमिली की तरह हो। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया है, ऐसे ही आगे साथ रहना, और मुझे मतलब घर चेंज होता देख के रोना आ जा रहा है, कितनी खुशी मिल रही है। फैमिली की तरह हो आप लोग, मतलब अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपको पता है मैं आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन एज अ गर्ल मतलब सो गाइस पता है मुझे एक अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही है, कि मतलब मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैंने अपना घर रिनोवेशन कराया है, मतलब मम्मी पापा बहुत खुश है, मेरी बहन भी बहुत ज़्यादा खुश है, इनफैक्ट मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप लोग भी बहुत खुश हूँ मुझे पता है। तो मैं सब लड़कियों को यही बोलना चाहूँगी कि यार आपके लाइफ में बहुत लोग आएंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, ये बोलेंगे कि ये कुछ नहीं कर सकती ऐसा वैसा, बट ऐसा आप मत सोचना, कभी अपने आप को अकेला मत समझना, हमेशा ये समझना ना कि आप कुछ कर सकते हो, लड़की हो तो क्या हुआ नहीं कर सकते, कर सकते हो आप लोग भी कर सकते हो, किसी के बातों पर मत आना यार, किसी के बातों पर मत आना, हमेशा आपको जो करना है आपके लाइफ में जो भी एम है उसको पूरा करना,
मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि हम भी कुछ कर सकते हैं क्या। लोगों का काम है कहना, लोग बोलते रहेंगे, आप उनकी बातों पे ना कि आपका जो मन है आप वो करो। मैं बस इतना ही बोलूंगी और आगे बढ़ते रहूँ।